Good morning, dear students. Today I will explain you the last portion of this chapter, Alice in Wonderland. Okay, in our previous class we have already saw that the girl opened a little door. मतलब कि हमने अपने पिछले क्लास में यह देखा था कि लड़की ने, जो एलिस है, उसने डोर को ओपन कर लिया था. एक छोटा, जो सबसे छोटा डोर था, वह उस चाबी से क्या होता है, ओपन होता है. ओके, देख सकते हैं इस पिक्चर में. फिर क्या होता है, वो उस रूम के अंदर जाती है. पर जो सारा चीज़ था वहाँ क्या था, बहुत छोटा था, है ना. टाइनी डोर को ओपन करती है, सबसे छोटा, और वो क्या थी, साइज में बहुत बिग थी. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. शी कुड बैंड डाउन टू जस्ट विप थ्रू द डोर एंड शी सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड. अब क्या होता है, शी कुड बैंड डाउन टू जस्ट विप थ्रू द डोर, मतलब अपने आप को थोड़ा सा झुकाती है उस डोर से झांकने के लिए. विप मतलब कि झांकना, थ्रू द डोर एंड शी सॉ अ ब्यूटीफुल, देख सकते हैं हम, छोटा सा डोर है, वहाँ से अपने आप को जैसे तैसे निकालती, फिर झुकती है और वहाँ से क्या देखती है, उस छोटे से डोर से झांकने लगती. झांकती तो बाहर देखती, एक सुंदर सा गार्डन दिख रहा है. देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, है ना, हमें सुंदर सा गार्डन दिख रहा है. फिर बट शी कुड नॉट गो आउट, पर वह वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वह साइज में बड़ी थी और वो जो डोर था वो बहुत छोटा था. अब आगे देखेंगे, थ्रू दैट द टाइनी डोर शी बिकम वेरी सैड. शी लॉक्ड द डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल. शी कैप्ट द की देयर. शी सॉ अ स्मॉल बॉटल विथ अ लेबल ड्रिंक मी. शी टेस्टेड इट एंड डू यू नो वॉट हैपन्ड हर. अब क्या होता है कि बट शी कुड नॉट गो आउट, पर वह बाहर नहीं निकल पाती उस हॉल से, है ना. फिर थ्रू दैट टाइनी डोर, उस छोटे से डोर से वह बाहर नहीं निकल पाती और वहीं फंस जाती. शी बिकम वेरी सैड, और बाहर फंस गई है किसी रूम के अंदर तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना, तो क्या हो जाती, बहुत दुखी हो जाती. शी लॉक द डोर, डोर को वो बंद करती है एंड वेंट बैक टू द टेबल. अब टेबल में वापस चले जाती है और वहाँ उस की को रख देती है. लॉक करने के बाद शी कैप्ट द की देयर, वहीं पर अपने की को रख देती जहाँ से, जिस टेबल से वो की को निकाली थी, देख सकते हैं, है ना. और उसी टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ, एक बॉटल रखा हुआ जिसमें लिखा है ड्रिंक मी, मुझे पियो. शी टेस्टेड इट, वह उसे टेस्ट करती है, देख सकते हैं पिक्चर में टेस्ट कर रही है ना. फिर टेस्ट करने के बाद देन डू यू नो व्हाट हैपन, अब उस ड्रिंक को पीने के बाद अब उसके साथ क्या होता है, अब देखते हैं हम आगे क्या होता है. शी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब क्या होता है, उसका साइज छोटा होने लगता है, वो एकदम छोटी हो जाती, छोटी होती जाती, छोटी हो जाती है. टिल एट द एंड शी वॉज जस्ट द साइज ऑफ अ लिटिल डॉल. एट लास्ट साइज, मतलब कि एक छोटी सी जो गुड़िया होती है, डॉल, है ना, हम टॉयज जो यूज़ करते हैं ना, जो बच्चे, उस डॉल की साइज की हो जाती है लास्ट में, इतनी छोटी हो जाती है. शी वॉज हैप्पी नाउ एंड शी रैन टू द डोर बट इट वॉज लॉक्ड. देन शी रैन बैक बट एलिस व्हाई डिड शी बिकम सैड. अब क्या होता है देखते हैं. देखिए, बॉटल का भी साइज उसके सामने क्या हो गया, बड़ा हो गया. वो टेबल के नीचे है, वो टेबल भी उससे क्या हो गया, छोटा हो गया. लेकिन फिर वो वापस जाती है और देखती है कि जाओ बाहर निकलो, लेकिन क्या होता है, उसने डोर को पहले ही क्या कर चुका था, लॉक करके उस की को टेबल के ऊपर रख दिया था, है ना. तो फिर अंदर ही फंस जाती है, इस वजह से फिर वो वहीं रह जाती है और इसलिए वह दोबारा क्या हो जाती है, सैड हो जाती है. ओके, सो हियर इज़ द स्टोरी एलिस इन द वंडरलैंड. यह एक इमेजिनेशन है और ड्रीम बस है उस गर्ल का कि उसके साथ क्या होता है. ओके, थैंक यू.